हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगा टेट टू टेट शेयर क्या है। टेट टू टेट शेयर बाई करने से क्या क्या प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखो ये से आर पावर बी लिखा है। एनएसई का शेयर में बी टेट टू टेट मेंशन करता है। यह से बी का फुल फॉर्म बुक एंटी। ये शेयर आप जब बी एस सी में देखते हो तो बी नहीं लिखा आता है, लेकिन जब बाई करोगे तब टेट टू टेट ही दिखाई देता है। मैं आर पावर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसके बाद बाई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। मैं एक क्वांटिटी बाई करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद स्वैप टू बाई करूँगा। देखो यह से एक मैसेज शो कर रहा है, आर पावर बी एन ए सी इज़ अ टेट टू टेट कैटेगरी स्टॉक, इंटरडे ट्रेड्स आर नॉट अलाउड, चेक प्रोसेस टू कंटिन्यू बाइंग। इसका मतलब आर पावर टेट टू टेट कैटेगरी में है। मैं टेट टू टेट का ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से देखो टेट टू टेट कैटेगरी क्या है, यहाँ से डिटेल शो कर रहा है, आप चाहे तो यह से पढ़ सकता है। यह से यह लिखा है, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। टेट टू टेट कैटेगरी का शेयर आप बाई करोगे तो आप इंटरडे में सेल नहीं कर सकते। टी प्लस वन डे का सेटलमेंट के हिसाब से जिस टाइम इस शेयर आपका डिमेट में आएगा उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। मैं इस पेज से बैक कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रोसेस से क्लिक कर रहा हूँ। देखो ये शेयर मेरा पोजीशन में दिखाई दे रहा है। आप जानते हो शेयर बाई करने के बाद पोजीशन में दिखाई देगा। ये शेयर मैं आज ही बाई किया, आज ही सेल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद एग्जिट में क्लिक करूँगा। देखो मैं लिमिट प्राइस डाल दिया, इसके बाद स्वैप टू सेल करूँगा, इसके बाद प्रोसेस में क्लिक करूँगा। देखो यहाँ से एरर मैसेज शो कर रहा है, इंटरडे ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड इन आर पावर बी एज दिस इज अ टेट टू टेट स्टॉक, ऑर्डर क्वांटिटी 1, रिमाइनिंग होल्डिंग क्वांटिटी 0। इसका मतलब आप ये शेयर इंटरडे में सेल नहीं कर सकते हो। जब ये शेयर आपको होल्डिंग में आएगा उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। टेट टू टेट शेयर खरीदने का यही एक प्रॉब्लम है, जिस टाइम डिमेट में आएगा उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो, उसके पहले आप सेल नहीं कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।